परमवीर चक्र विजेता और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र विजेता, आपके साथ मंच पे बैठना हम सबके लिए सम्मान की बात है, तो जोरदार तालियों के साथ। देखिए समय कम है तो दो दो सवाल ही आपसे मैं पूछता हूं, और पीयूष जी भी बैठे हुए हैं। योगेंद्र सिंह यादव, आपसे मैं जानना चाहता हूं, सतना गोलियां चली लेकिन आप पीछे नहीं मुड़े। 19 साल की उम्र में आपको परमवीर चक्र मिला था और आप यंगेस्ट सोल्जर थे, और कारगिल की वो चोटी भी आपने जीती। तो जब वो गोलियां चली, जब वो 17 गोलियां चली, उसके बाद जब आपने वो चोटी जीती, तो एहसास क्या था? यही एहसास था कि जो हमारे पूर्वजों ने ये आज़ादी हमें यहाँ तक ला कर के दी, उस आज़ादी की रक्षा करना हम बच्चों का दायित्व और कर्तव्य है। और बड़े खुश नसीब हैं हम जिस भारत माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है, और वो भी मनुष्य का जीवन अगर इस धरती माँ के गर्भ से मिला तो इससे बड़े सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। आप पर तो फिल्म भी बनी है जिसमें मनोज बाजपेयी, LOC कारगिल, जिसमें मनोज बाजपेयी ने आपके किरदार को निभाया है। ये शायद यहाँ पे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन LOC कारगिल में जो मनोज बाजपेयी का किरदार है वो आप ही का किरदार है। हाँ जी बिल्कुल। सूबेदार संजय कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के हैं, और आपने इतना एग्रेशन दिखाया कि दुश्मन को पीछे हटना नहीं पड़ा, दौड़ना पड़ा, और आपको भी तीन गोली लगी थी। देखिए ऐसा है, जब इंडियन आर्मी जब आगे बढ़ती है तो दुश्मन पीछे भागेगा ही, और आपने इससे पिछले युद्धों में भी देखा होगा और कारगिल में भी देखा होगा, हर जगह जहां इंडियन आर्मी पहुंच जाती है वहां से दुश्मन भाग जाता है। जी, लेकिन आपने आक्रामक अंदाज में बोला क्या था कि उनको भागना पड़ गया? अगर आप यहाँ पे वो कह के बता पाए तो अच्छा रहेगा एक बार प्लीज। कि जब लास्ट 50 मीटर या 20 मीटर जब रह जाता है जी, तो बातें कम और एक्शन ज्यादा रहता है उस टाइम पे। लेकिन ये है कि हमारा जो नारा है, जो एक यूनिट, हर यूनिट का एक नारा रहता है जिसमें हमें दुर्गे माता की जय पुकार के हम जो धावा पुकारते हैं। क्या बोला क्या था? दुर्गे माता की जय करके भागना शुरू करते हैं। किस अंदाज में बोला था? वो अंदाज तो नहीं आ सकता, लेकिन अंदाज अभी वो जगह नहीं है उस टाइप की, मैं आपको फिर उस तरीके से दिखाता। हाँ, सामने दुश्मन तो नहीं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, पथरीला इलाका है, और उसमें जो सिचुएशन काफी अलग थी यहाँ से, ये तो बिल्कुल प्लेन इलाका है यहाँ। लेकिन जो उस टाइम जोश था बस कि उसको खत्म करना है बस, तो वो कब हो गया, कैसे हुआ, वो बाद में ही पता चला। क्यों जी, आप कुछ बोलना चाहते, कुछ पूछना चाहते? सोच रहा था कि आप उद्घोष दीजिए, हम सब साथ में आपके देंगे जी। अगर दुर्गे माता का आशीर्वाद नहीं रहता इन पे तो पता नहीं क्या और हो सकता था भारत के खिलाफ जी। तो मुझे लगता है तो दुर्गे माता का उद्घोष देने में तो हमें सबको आनंद आएगा। दुर्गे माता की जय। मुझे लगता है इसमें तो हम सब आनंद देंगे आपके साथ। नहीं, उसमें क्या था कि एक अंदर से शक्ति पैदा होती है कि आप एक तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, दूसरा अपने आप में एक विश्वास सा पैदा होता है कि आप कुछ करने, अच्छा करने जा रहे हैं तो सही होगा वो। तो इसलिए जब भी वो नारा लगा के हम चलते थे तो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। योगेंद्र यादव जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये दिल की गहराई से पूछा जाता हूँ। आजकल जब कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब कोई सेना के बारे में कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि आप वहाँ पे कारगिल की चोटी जीत के आए तो सबूत क्या है, तो क्या आपको लगता है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वही पूछ सकते हैं जिनके अंदर ना तो देशभक्ति होगी और ना उनके परिवार का कोई फौज में होगा। जिसके परिवार का फौज में होता है, जिसके अंदर देशभक्ति होती है, वो कभी इन तरह के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। और इनको मैं बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी, अरे फौजी है तो मरने के लिए ही है, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी मारने के लिए होता है। और ये व्यक्ति, और ये परमवीर चक्र विजेता ने 17 गोली खाई थी, 17 गोली, ये कोई फिल्मी गोली नहीं, 17 गोली खाकर
माँ भारती के लिए वो जंग भी जीती, वो चोटी भी जीती और आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सामने बैठे हैं। वाकई ये गर्व का पल है भारतवर्ष के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए ऐसा है कि एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको वॉर लड़ने का मौका मिले, क्योंकि हर सैनिक जब फौज में जाता है और ड्रेस जब पहनता है तो उसका एक सपना रहता है कि जिस चीज़ के लिए वो भर्ती हुआ है या जो इच्छाएं उसकी हैं, क्योंकि जिसने लड़ाई नहीं लड़ी ना उसके मन में वो ट्रेनिंग जो उसने ले रखी है या जिस मकसद से वो फौज में गया था वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन हम लोग खुश नसीब थे कि बहुत कम समय में और बहुत छोटी सर्विस के बीच में हमें वो मौका मिला था, क्योंकि मैं भी 2.5 साल की सर्विस में वॉर में गया था जी। हम तो सिर्फ जो अपने साथी थे या हमारे जो सीनियर थे या हमारे जो लीडर्स थे बस उनकी गाइडलाइन जो थी बस उस पे चलते गए, बाकी तो ABC ज़्यादा नहीं जानते थे वॉर की। लेकिन जब सीनियर्स का जो एक्सपीरियंस था वो हमें काम आया, जैसे गाइडलाइन मिलती गई हम चलते रहे। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो हम कॉलेज में थे या फिर कॉलेज पास आउट कर गए थे, मुझे भली भांति याद है कि जिस तरह से आप कारगिल के युद्ध पे, पीयूष जी आप कहाँ थे और कुछ कहना याद है आपकी कुछ कारगिल के युद्ध की? नहीं, वो तभी तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, अधिकांश तो उस समय मैं मुंबई में ही था जी जी, और मैं समझता हूँ कि हर देशवासी को उस समय ये एहसास था कि जिस प्रकार से आतंकवादी इस देश पे लगातार बार बार हमला कर रहे हैं और जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता पे हमारे पड़ोसी देश से वार होते रहा है, उसमें एक मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता थी। देशवासियों की सांसें इनकी सांसों के साथ जुड़ी हुई थी और जो गर्व हुआ था जब विजय का उद्घोष हमारी सेना ने वहाँ पे देश को एक प्रकार से हिम्मत दी कि हम कभी आतंकवाद के सामने झुकेंगे नहीं, कभी आतंकवाद के सामने भारत का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और मैं समझता हूँ यही है इस देश की ताकत कि कोई विदेशी भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता कि 140 करोड़ भारतवासी हमारी सेना के पीछे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर जी जान देने के लिए तत्पर जी। आप सबने अपना समय दिया, पीयूष जी आपका, यादव जी आपका और संजय कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप चलने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको देख के एक ही गाना याद आता है, रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। यही गाना है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इससे इससे बड़ा सैनिक के लिए और क्या हो सकता है, और हर देशवासी बिल्कुल गाने नहीं आते। आप सब कुछ पलों के लिए और मंच पर बने रहें, हमारे मेहमानों से अनुरोध है कि कृपया थोड़ी देर के लिए और मंच पर बने रहें। और अब मैं करण अभिषेक सिंह, CEO हिंदी न्यूज़ नेटवर्क 18 को मंच पर बुलाना